हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन दी इम्पोर्टेंट एम सीक्यूज ऑफ जी एस टी तो जीएसटी के काफी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं तो दिस लेक्चर विल बी यूजफुल भी यूजफुलट सेट स्टूडेंट स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सभी के लिए एक ये सेशन है जो काफी हेल्पफुल होने वाला है तो so, लास्ट तक बने रहे काफी सारे को हम डिस्कस कर रहे और अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हर दिन रात को आठ बजे लाइव सेशन होता है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन टी ए नेटसेट इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो आपको इससे काफी सारे फ्री सेशन से आपको बेनिफिट मिलने वाला है प्री सेशंस के लिए मेरा कोड यूज करे राहुल मोहिले ताकि आपको प्री सेशन मिलने वाले हैं एवरी डे एट ओ क्लॉक अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी चीजें नई रिवाइज करते हैं तो शुरू करते हैं आज का सेशन तो दिस इज माई प्रोफाइल यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल टू गेट एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट एंड दिस इज द डिटेल्स तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ जीएसटी सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविशन टू जी एस टी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एल्कोहल प्रोडक्ट्स टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एल्कोहल फॉर ह्यूमन तो सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी भी एडिशनली चार्ज होता है जीएसटी so, so, uh, के साथ इनमें से कौन से प्रोडक्ट पे जी के साथ साथ सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है तो ध्यान रखना दैट इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी एडिशनली लवी होता है जीएसटी के साथ आई जी एस टी एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विस इन द कोर्स ऑफ डैश ट्रेड और कॉमर्स तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट आंसर फॉर दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई ठीक है इंटरस्टेट तो दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं एक होता है इंटरस्टेट और एक होता है इंटरा स्टेट अगर हम इंटरस्टेट की बात करें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स हम सेल करेंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे तो वी विल बी कैलकुलेटिंग आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जब हम एक ही स्टेट में गुड्स का सेल करेंगे या सप्लाई करेंगे या सर्विसेज को रेंडर करेंगे एक स्टेट से एक ही स्टेट में तो फिर कौन सा टैक्स लगता है दैट इज सीजीएसटी एंड एस जी एस टी एंड वैसे केस में आपका कंसेप्ट आता है स्टेट सप्लाई फर्दर आगे बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्राम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन या एथ जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन तो ध्यान रखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वॉज फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन नेक्स्ट इज जी एस टी हेज रिमूव द टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज डी टी डबल डी टी डबल ए का फुल फॉर्म डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट सेकेंड इज कैसकेडिंग इफेक्ट नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन एंड लास्ट वन इज टैक्स प्लानिंग तो देखो जी के वजह से जीएसटी लाने की वजह से कौन सा प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो गया तो पहले जब वैट था वैल्यू एडेड टैक्स तब क्या होता था टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने का जो प्रॉब्लम है ये जीएसटी ने रिमूव कर दिया है और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं जीएसटी हैज़ रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स ऑन टैक्स पर अभी ऐसा नहीं है कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो रिमूव हो चुका है ड्यू टू दी कंसेप्ट ऑफ जी एस टी नेक्स्ट इज एस जी एस टी इज एप्लीकेबल गुड्स आर सोल्ड तो एस जी एस टी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कब एप्लीकेबल होता है वेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद इन द सेम स्टेट वन स्टेट टू वन यूनियन टेरिटरी या इंटर स्टेट सेल तो सी जी एस टी एप्लीकेबल होता है जब आप सेम स्टेट में गुड्स बेचोगे विद इन द स्टेट जिसको हम स्टेट सप्लाई भी कहते हैं स्टेट सप्लाई वेयर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी लेविड नंबर वन सी जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एस जीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी रहा तो फिर यूटी जीएसटी लगेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंजम्पन बेस्ड टैक्स सप्लाई बेस्ड टैक्स प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स तो इट इज नथिंग बट इट इज अ कंजम्पन बेस्ड टैक्स तो कंजम्पन बेस्ड बेस्ड टैक्स ही जी एस टी अपना टैक्स होगा नेक्स्ट इज इफ अ सेलर फ्रॉम गुजरात सेल्स गुड्स टू अ कंज्यूमर फ्रॉम हरियाणा कंज्यूमर टू हरियाणा फ्रॉम हरियाणा देन टैक्स कलेक्टेड इज देखो सेलर कहाँ का है गुजरात का है और वो गुड्स को सेल कर रहा है हरियाणा में मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व है जब कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचा जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई का कंसेप्ट में हमेशा आईजीएसटी लगता है टी इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इसका राइट right आंसर बनेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर एट जीएसटी डीलर्स विद एनुअल टर्न ऑफ डैश आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दी एच एस एन कोड एच एन एच एस एन कोड लेना पड़ता है हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नॉम इन उसका फुल फॉर्म है लेस देन वन पॉइंट फाइव करोर लेस देन टू करोड़ लेस देन फाइव करोड़ या लेस देन वन करोड़ तो लेस देन वन पॉइंट फाइव करोड़ जिनका भी एनुअल टर्न है उनको ये एच कोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट अंडर जी लॉ एस ए सी रेफर्स टू तो जी एस टी लॉ में एस एस सी का मतलब क्या है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोड या एडम या साइंटिफिक अकाउंटिंग कोड तो एस का मतलब क्या है सर्विस अकाउंटिंग कोड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज ऐसे छोटे छोटे एब्रीवेशन में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं तो जीएसटी लॉ में एसएससी का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द चेयरपर्सन ऑफ द जी एस टी काउंसिल इज तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जी एस टी काउंसिल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वन सिलेक्टेड पर्सन एमोंग द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन तो जी एस टी का चेयरपर्सन कौन है यूनियन फिनंस मिनिस्टर तो यूनियन फिनंस मिनिस्टर जो रहेंगे ही विल बी ही और शी विल बी देयरपर्सन ऑफ द जी एस टी काउंसिल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो जीएसटी कौन से प्रिंसिपल पे बेस है तो जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन तो जहां पे गुड्स जाके कंज्यूम्ड होंगे उसी स्टेट को टैक्स मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन लाइबिलिटी टू पे ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड ऑर सर्विसेज इज ऑन तो रिवर्स चार्जि मैकेनिज्म के कंसेप्ट में जो लाइबिलिटी होगी टू पे ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ये किस पे होगी रेसिपियंट ऑफ सप्लाई सप्लायर ऑफ सप्लाई बोथ फिफ्टी परसेंट इज या नन ऑफ द अबाव तो ये जो होगी वो होगी रेसिपियंट ऑफ सप्लाई पे तो जो भी रेसिपियंट ऑफ सप्लाई होगा उसी के ऊपर लाइबिलिटी अराइज होगी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एवरी डिपॉजिट मेड टूअर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पी और एनी अदर अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू तो जो भी ये डिपॉजिट uh, पेमेंट किया जाएगा टैक्स के बेसिस पे इंटरेस्ट के बेसिस पे पेनल्टी है या फी है ये कौन से लेजर में क्रेडिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर या इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट लेजर तो दिस विल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक ट लेलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीआईन स्टैंड फॉर तो सीपीआईन का फुल फॉर्म क्या है कॉमन पैन आइडेंटिफिकेशन नंबर चलान पेड आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर या चलान पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो सीपीआईएन का फुल फॉर्म है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर इस टाइप के भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं तो ये सारे एब्रीवेशन को रिवाइज कर ले ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्म यूज फॉर द फॉर्म यूज फॉर द जी एस टी रजिस्ट्रेशन बेसिकली इज फॉर्म जीएसटी आर वन फॉर्म जीएसटी ए वन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन वन या फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं दैट फॉर्म फॉर्म इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन वन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन फाइव डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एटलीस्ट फाइव डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को फाइव डेज एटलीस्ट फाइव डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस शुरू होने के पहले ही उसको पांच दिन पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा दट इज द्वाइंट देखते देखते हैं sorry, 18 देखते हैं सॉरी द टैक्स डिडक्टेड हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट विद इन डैश डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्टेड तो टैक्स जो डिडक्टेड होगा जिसको हम टी के बेसिस पे बोलते हैं वो कितने दिन को गवर्नमेंट कितने दिन में गवर्नमेंट को हमें पेमेंट करना है सेवन डेज टेन डेज फिफ्टीन डेज या ट्वेंटी डेज तो वो दस दिन के अंदर अंदर हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स इज अ डैश टाइप्स ऑफ टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टाइप का टैक्स टा, होता है रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन टैक्स या वैल्यू एडेड तो ध्यान रखना डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव होता है इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा रिग्रेसिव regre, नेचर का होता है बिकॉज डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव यह है कि जितना जिसका इनकम रहेगा जितना जिसका रेवेन्यू रहेगा उतना वो टैक्स भरेगा बट इनडायरेक्ट टैक्स में एक स्पेसिफिक रेट है अगर आप आपका इनकम भी कम है लेकिन तो भी आपको उतने ही लेवल पर टैक्स भरना है जो रेट डिसाइड करके दिया है तो दैट इज द पॉइंट कॉल्ड एज

तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी और टेलीग्राम चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम उसको ज्वाइन कर ले वहां पे मैं इसके सारे पीडीएफ्स को शेयर करते रहता हूं ताकि आपको इसका बेनिफिट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यूज हो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन और अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं फ्री में तो एवरीडे एट ओ क्लॉक अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव सेशन मिलेंगे जिससे आपके काफी सारे नेटसेट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर